नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और काफ़ी दिन बाद एक बड़ी वीडियो आ रही है एक हटके एक टॉपिक पर। नहीं तो हम कोशिश करता हूँ मैं कि एक वीक में कम से कम एक वीडियो तो हो। तो आज की जो वीडियो है वो काम ऊर्जा के ऊपर है। काम ऊर्जा की एक सीरीज की मैंने बात की थी कि एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। एक इंटरव्यू भी किया था डॉक्टर आरती का मैंने, ऐसे ही और भी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू, अलग अलग जो फील्ड है उनसे संबंधित जो इंटरव्यू है मैं लेके आऊँगा। लेकिन इंटरव्यू शूट करने के लिए भी कुछ कोर्सेज क्लासेज भी चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा समय निकालना उसके लिए मुश्किल होता है। इंटरव्यू शूट करने के लिए पूरा दिन चाहिए ऑलमोस्ट, तो अभी निकल नहीं पा रहा है। जल्दी ही कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू हो, और इंटरव्यू इस टाइप से हो कि जो काम ऊर्जा का जो आयाम है, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, उसका उसके बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं उनसे आपके उन सब के विचार मैं लूँ। जैसे डॉक्टर के हमने विचार लिए, तो ऐसे ही एक वेदों में क्या है, योग में क्या है, और अलग अलग जो हैं एक सामाजिक आयाम क्या है, वो हर प्रकार के एक विभिन्न आयाम जो है मैं आपको समझाऊँ, ताकि वो जो एक टैबू की जो फीलिंग है, एक जो गिल्ट की जो फीलिंग है, या आपको लगता है कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, या ये आपको पाप की तरह महसूस होता है ये सब करना, तो उससे आप बाहर निकल सको और उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन आपके पास हो, ये मेरा टारगेट है। और जो मेरा मुख्य टारगेट है वो जो योग अध्यात्म या धर्म में काम ऊर्जा का क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है, क्या सदुपयोग है, ठीक है कि गलत है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। मतलब मैं उसको जान भी रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस में शेयर भी कर रहा हूँ। ये पूरी सीरीज जितनी भी वीडियो आएंगी, चाहे अभी तक एक दो वीडियो आई है, उससे संबंधित और भी वीडियो आएंगी और पूरी सीरीज मैं लेके आऊँगा। और कुछ भी हो उसके ऊपर बिल्कुल खुल के हम बात करेंगे, उसको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। मैंने देखा है कि इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, हर कोई उससे बच के निकलना चाहता है। बच के निकलना क्यों चाहता है? क्योंकि एक टैबू है, ऐसा लगता है कि इस पर बात की और हमारा चरित्र गिर जाएगा, या हम कोई गलत व्यक्ति हो जाएंगे, या हमें जज कर लिया जाएगा। तो उस चीज़ से हमें दूर रहना है। वो जो जज करने वाले हों तो करेंगे ही, वो आप कुछ करेंगे तो भी, आप बात नहीं करेंगे तो भी आपको जज करेंगे, वो तो हमेशा सोचते ही रहेंगे और वो हर जगह होते ही हैं। उनसे हमें अपने कार्यों को नहीं रोकना है। और हमारा जो रिसर्च वर्क है, ये मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, मैं ये रिसर्च की तरह कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज की वीडियो में मैं वही चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि इसका देखिए सामाजिक आयाम, डॉक्टर क्या कहता है वो तो डॉक्टर बता पाएगा, सामाजिक आयाम क्या है वो एक समाज सुधारक, एक समाज शास्त्र का पढ़ा हुआ व्यक्ति ही उसको अच्छे से समझ पाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाएगा। वेद में क्या कहा है इस बारे में, वेद यानी हमारे ऑथेंटिक सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं उनमें क्या कहा है वो उनका एक्सपर्ट बता पाएगा। उपनिषद क्या कहता है वो बता पाएगा। योग क्या कहता है वो कुछ मैं बता पाऊँगा, कुछ और लोगों से भी हम सलाह करेंगे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने जो पाया है काम ऊर्जा को, आज की वीडियो में मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि और ये ओपिनियन बदलता रहेगा, ऐसा नहीं कि ये फाइनल हो गया है। मतलब ये ऐसा नहीं कि बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि बस यही, अगर मुझे भविष्य में कोई चीज़ लगी कि इसको और समझने की ज़रूरत है, इस आयाम को भी समझने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं समझ सकता हूँ, वो भी मैं उसमें जोड़ सकता हूँ, वो संभावना मैं हमेशा ही रखता हूँ। तो काम ऊर्जा का जो है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ उस चीज़ को, मैंने अपने जीवन में किस प्रकार से जाना है काम ऊर्जा को। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो योग के साथ रिलेट रहेगा, क्योंकि मैंने योगिक ग्रंथों में भी उस चीज़ को समझा है। और जो आपके भाव हैं आज के दिन उसके बारे में, वो मेरे भी भाव रहे हुए हैं। यानी अगर यंग एज में अगर आप गिल्ट फील में रहते हैं, तो वो मुझे भी हुआ है, वो हर चीज़ से मैं गुजरा हुआ हूँ, ये समझ लीजिए।
मैं कोई पैदाशी कोई साधु संत बन के नहीं पैदा हुआ। मैं हर प्रकार के डिप्रेशन से, मैं बीमार लोगों को भी यही कहता हूँ, मैं बीमार, मेरी योग करने की शुरुआत मेरी खुद के कमर दर्द से हुई। मैं खुद बीमार भी रह चुका हूँ, मैं डिप्रेशन में भी रह चुका हूँ। मैंने हर जो लाइफ में एक नुकसान होता है, जो लॉसेस हैं अलग अलग प्रकार के, वो देखे हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर आप, जिनको मेरी स्टोरी पता है, जिनको जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको पता है कि एक आम आदमी से कुछ ज़्यादा ही नुकसान है। मतलब अगर आप अपने आप अपने दुखों को आप बड़ा मान रहे हैं, तो एक उसको मैं कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरा कहने का मतलब ये है, हर मामले में, हर मामले में अच्छा खासा एक्सपीरियंस समझ सकते हैं आप मेरा। तो काम ऊर्जा के मामले में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दो किसी किताब में पढ़ा या गूगल क्या कहता है या उस विद्वान ने क्या कहा, नहीं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो यंग एज हैं या जो योग साधक हैं या जो स्पिरिचुअल साधक हैं उनके लिए। कुछ लोग हैं उस एज से गुजर चुके हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि उनको भी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अभी उनको हो सकता है, उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी अर्जेज या कोई ऊर्जा उनकी ऐसा लगता हो कि अब ये सब पीरियड हमारे लाइफ का जा चुका है, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि क्या सच में जा चुका है, क्या सच में कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का, उसको हर आयाम से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो काम हमें करना पड़ेगा काम ऊर्जा को रेगुलेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, सबसे पहला काम जो मैंने किया और आपको भी करना पड़ेगा, इसका इसके प्रति जो गिल्ट फील है, इसके प्रति जो अपराध भाव है, या जो इसको पाप समझने का काम हम करते हैं या हमारी सोसाइटी करती है या हमें डर लगा रहता है अनकॉन्शियसली, बहुत अनकॉन्शियस डर है, बहुत अनकॉन्शियस, ध्यान रखें मैंने कहा है अनकॉन्शियस डर। हो सकता है आपको लगता हो कि आप बहुत मॉडर्न हो गए हैं, आपको सब समझ है, लेकिन अनकॉन्शियस डर है, बहुत ज़्यादा गहरे छुपा हुआ। हो सकता है वो बचपन में बैठा हुआ हो सकता है अब भी आपके सामने सतह पे भी हो, और हो सकता है अंदर भी छुपा हुआ हो। एक बहुत अनकॉन्शियस डर, एक भय, एक गिल्ट, एक अपराध भाव, एक डार्क पार्ट हमारा उस काम ऊर्जा के प्रति। हम समझते हैं कि ये कोई शैतानी काम है, हालांकि हम पैदा उसी से हुए हैं, सारी दुनिया उसी से पैदा होती है, हर जीवन में जो भी सुंदर है वो उसी से पैदा होता है, और वही जो सुंदरता हम कहते हैं वो काम ऊर्जा से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो लेकिन हम उसके प्रति एक नेगेटिव एक भाव अपने अंदर रखते हैं। पहले तो अगर आप इस बारे में, आपके इस आयाम पर काम करना चाहते हैं, मैंने बताया था चार आयाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर आप काम पर काम करना चाहते हैं, इस सेक्सुअल एनर्जी को समझना चाहते हैं, तो इस पर बात करने से, इस पर चर्चा करने से, इस पर स्टडी करने से आपको अपने माइंड को खोलना पड़ेगा, इस गिल्ट फील को निकालना पड़ेगा और करना पड़ेगा फिर उस स्टडी को, उस बात को, उस एक्सरसाइज को, या जो भी चीज़ है। देखिए, एक चीज होती है अश्लीलता, वो अश्लील होना अलग चीज है, और किसी चीज को एजुकेशन की तरह, एक शिक्षा की तरह ग्रहण करना अलग चीज है। यहाँ हम शिक्षा की तरह ले रहे हैं, यहाँ हम ट्रेनिंग की तरह ले रहे हैं, यहाँ हम माइंड की, चेतना के विस्तार की तरह कर रहे हैं। जब चेतना के विस्तार की हम बात करते हैं, तो हमें नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को तैयार करना होगा, तभी विस्तार हो पाएगा। अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, अगर एक साइंटिस्ट पहले ही डिसाइड कर ले कि इसका इसका ये करके इसका ये परिणाम आना है, तो कभी भी रिसर्च कुछ भी नहीं हो पाता इस जीवन में। ना ये कैमरा बन पाता, ना इंटरनेट बन पाता, ना ये लाइट बन पाती, ना लैपटॉप बन पाता, ना ये माइक बन पाता, कुछ भी नहीं बन पाता अगर पहले ही प्री डिसाइड होता, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं। तो पहले, सबसे पहला आपको स्टेप जो लेना पड़ेगा, जो मैंने भी लिया था, वो न्यूट्रल माइंडसेट। मतलब आप पहले डिसाइड मत करो कि ये गलत है कि ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि ये ठीक है, ये सोचो ना, आप ये सोचो कि ये गलत है। आप न्यूट्रल एक सब्जेक्ट की तरह लो कि एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, लाइफ का एक बहुत ही अहम आयाम है,
जिसको समझना जरूरी है, स्वीकार करना जरूरी है, और जिस जो अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। काम ऊर्जा को, इस बात को आप ध्यान से सुने, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हैं तो भी, आप योगी हैं तो भी, आप भोगी हैं तो भी, आप ब्रह्मचारी हैं तो भी, आप कुछ भी हैं, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। यही एकमात्र शक्ति है आपके पास। परमात्मा ने जब हमें बनाया तो उसके पास एक शक्ति है, पावर ऑफ क्रिएशन, क्रिया की शक्ति, कुछ करने की शक्ति, कुछ क्रिएट करने की शक्ति। अब वो पावर ऑफ क्रिएशन का जो इतना बड़ी जो पावर है, उसका एक छोटा सा रूप हमारे मूलाधार चक्र में उस भगवान ने डाल दिया, उस परमात्मा ने डाल दिया। डाल दिया मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम वही हैं, उसी का एक अंश हैं। तो उसका एक अंश होने के नाते हमारे अंदर भी एक छोटी सी शक्ति है, वो छोटे से ही रूप में, एटॉमिक फॉर्म में, उतने विस्तृत रूप में नहीं, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में हमारे अंदर ही है वो। वो मूलाधार चक्र में, जिसको आप कुंडलिनी कहें, माँ कहें, दुर्गा कहें, शक्ति कहें, अर्थ एनर्जी कहें, कोई भी एनर्जी आप कहिए, प्रकृति कहें, वो एटॉमिक एनर्जी आपके अंदर, वो पावर ऑफ क्रिएशन आपके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। उसी की वजह से आप पैदा हुए हैं और उसी की वजह से आप चल रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, आप अपने हाथ पैरों से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस शक्ति से ही चल रहे हैं, वो चेतना शक्ति, वो एक चेतना, और चेतना के पास एक क्रिया शक्ति, कुछ करने की पावर ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन आपके मूलाधार चक्र में है। अब उसी को कुंडलिनी कहा है। अब उस शक्ति को हमें समझना पड़ेगा, उसको व्यवहारिक से लेकर आध्यात्मिक रूप तक कैसे समझना पड़ेगा। मेरा जो मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उन सारे आयाम को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो थोड़ा सा ध्यान से, शांति से सुने, या दो पार्ट में आप करके सुने तो ठीक रहेगा, लेकिन पूरा आप समझना इस सिस्टम को। पहला जो आयाम है, वो जो शक्ति है, वो क्रिएशन है। ऐसा समझ लीजिए, आपके पास एक शक्ति है, समझ लीजिए पानी की टंकी है और उसमें पानी गिर रहा है, और पानी की टंकी में पानी गिर रहा है। अब आपकी छत पे एक पानी की टंकी रखी हो, उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने मन में, और लगातार उसमें पानी गिरे जा रहा है। वो पानी जो है वो पावर ऑफ क्रिएशन है आपके अंदर, वो पावर ऑफ क्रिएशन है, मतलब आपको वो शक्ति प्राप्त होए जा रही है अपनी ईड़ा नाड़ी के द्वारा। आपके मूलाधार चक्र में जाके वो शक्ति बर्न हो रही है, जल रही है, और आपको शक्ति प्राप्त होती जा रही है यूनिवर्स से लगातार, और वही पावर ऑफ क्रिएशन है, वही एक ऊर्जा प्राप्त होती जा रही है। वो पानी गिरता जा रहा है उस पानी की टंकी में, साथ में विजुलाइजेशन रखें। अब किसी ने नीचे से नल खोल दिया है तो वो पानी क्या हो रहा है, जो गिर रहा है वो साथ में निकल रहा है, रिलीज होता जा रहा है। यानी अब जब ये ऊर्जा हमारे अंदर इकट्ठा हो रही है, परमात्मा हमें 24 घंटे लगातार दिए जा रहा है, और ये कभी स्टोर खाली होता ही नहीं, एक पर्टिकुलर एज तक तो ये बिल्कुल भी खाली नहीं होता, लगातार भरता रहता है, अनंत ऊर्जा है ये, क्योंकि परमात्मा के पास कोई स्टोर या कोई बैंक बैलेंस नहीं है जो ख़त्म हो जाएगा। वही आपके अंदर वो हॉर्मोन्स बनते ही जा रहे हैं उस शक्ति के रूप में, मॉडर्न साइंस कहे तो वो हॉर्मोन्स आपके अंदर क्रिएट होते ही जा रहे हैं। अब सबसे पहला, उसका सबसे जो बेसिक आप कर सकते हैं, जो नीचे से नीचे स्तर का, उस पानी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि वो पानी नीचे से रिलीज हो जाएगा आपका, मतलब आप उस पानी वो नल के द्वारा बहा देंगे, उसका उपयोग कर लेंगे। उसकी पहली उपयोगिता उस ऊर्जा की क्या है, इस टंकी वाले उदाहरण को आप साथ में रखना अपने माइंड में, तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली उपयोगिता ये है कि आप उसके द्वारा संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। आप संतान उत्पत्ति कर लेंगे, आप बच्चे पैदा करेंगे, अपने जैसे जीव क्रिएट कर सकते हैं, इतनी पावरफुल है वो शक्ति। यानी सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही शक्ति है, आप किसी और शक्ति के द्वारा इंसान को पैदा कर ही नहीं सकते। वो मेल में और वो फीमेल में, वो यिन यांग के रूप में, शिव शक्ति के रूप में क्रिएट करने के लिए ही वो दो अंश दिए हुए हैं।
उसी शक्ति, उसमें जो शक्ति उपयोग होती है वो काम ऊर्जा है। हम यहाँ बात स्पर्म के बारे में नहीं कर रहे, यहाँ हम बात एग्स के बारे में नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं उसके उसको बनाने में जो शक्ति उपयोग हो रही है उसके बारे में। काम ऊर्जा है उनको जो बना रही है वो शक्ति, ना कि वो टिश्यू, वो सेल्स नहीं की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके बनाने में जो शक्ति है वो शक्ति। पहला उसका उपयोग हो सकता है, हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं, और अपने जैसे जीव पैदा होंगे तो क्या होगा, वही होगा जो हर इस पृथ्वी का हर व्यक्ति कर रहा है, हर गृहस्थ कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, उनको पाल रहा है, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ये सृष्टि आगे बढ़ेगी, और ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सृष्टि आगे बढ़ रही है आपकी वजह से, आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, आप एक जीवन अपने जैसे संतान पैदा कर रहे हैं, ये एक छोटी से छोटी संभावना है कि इससे, ये तो आप कर ही लोगे, ये तो हर व्यक्ति कर सकता है, कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी ना हो तो बेशक, बीमारी हो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नॉर्मली हर व्यक्ति कर सकता है। वो कुछ परसेंट लोग होते हैं नहीं कर पाते, तो वो भी कुछ इलाज के बाद कर पाते हैं, तो हम मानते हैं ये हर कोई कर पाता है, ये छोटी से छोटी संभावना है, और ये कुछ बिल्कुल भी गलत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप गृहस्थ हैं, आप शादीशुदा हैं, आप बच्चे पैदा किए आपने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, आप इससे आपको कुछ आनंद की भी प्राप्ति होती है। पहला काम नीचे से नीचा कि बच्चे पैदा हो सकते हैं, संतान उत्पत्ति हो सकती है, फिर उस संतान को पालने में जो शक्ति लगती है वो भी यही शक्ति है, उसको पालने में भी वही यही शक्ति उपयोग होती है। आपने देखा होगा संतान उत्पत्ति के बाद जो काम ऊर्जा का प्रवाह जो है संतान की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ भी यही शक्ति लग रही है, यही काम ऊर्जा लग रही है। और ये स्पर्म बनना, एग बनना, ये सारे प्रभावित होते हैं उस काम ऊर्जा से ही। अब बच्चे पैदा हो गए, अब उसके बाद दूसरा उपयोग आप क्या कर सकते हैं, उस वो एक इनाम की तरह भी है, अब उससे आप एक आनंद की प्राप्ति भी होती है, वो एक रिवॉर्ड की तरह, एक सुख भी आपको देती है वो ऊर्जा, यानी उसको आप सुख की तरह उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सुख की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल भी गलत नहीं है। बच्चे पैदा करना बिल्कुल प्राकृतिक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उस सुख की तरह उपयोग करना भी बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, ना ही कोई अपराध भाव की बात है। लेकिन इस चीज़ को समझना, जब आप सुख के लिए उस काम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो, कि सुख तो हमें मीठा खाने से भी मिलता है, सुख तो हमें बाजार का खाना खाने से भी मिलता है, यानी अगर उस सुख का को कभी कभी लिया जाए तो वो सुख है, अगर उस सुख के एडिक्शन में पड़ गए तो वो सुख भी दुख है। कितनी भी अच्छे से अच्छी चीज़ हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में करना शुरू कर देंगे तो फिर आप वो सुख नहीं होगा, वो एडिक्शन हो जाएगा, वो आदत हो जाएगी। और ये हॉर्मोन्स ऐसे हैं कि एक बार रिलीज हो जाएं तो सारा मोटिवेशन समाप्त तो हो जाता कुछ देर के लिए, मतलब एक रिलैक्सेशन में चले जाते बॉडी, मतलब ये जब आपने एक चीज़ क्रिएट कर दी, बच्चे पैदा कर दिए, तो उसके बाद नॉर्मली लोगों का कुछ करने का मन क्यों नहीं रहता, कुछ मतलब ना वो लाइफ में कुछ खास करना चाहते, वो एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो एक क्रिएट, हम यहाँ पर आए हैं क्रिएट करने के लिए, और आपने वो बच्चे क्रिएट कर दिए, अब आपको ज़्यादा कुछ क्रिएट करने का आपका मन नहीं होता। और यही कारण है कि जो शादी नहीं करते हैं, जो सिंगल हैं, अकेले हैं, वो बड़े बड़े महापुरुष के रूप में कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि उनको, उन्होंने संतान उत्पत्ति के रूप में नहीं किया उस क्रिएशन को, उन्होंने किसी और रूप में किया, तो उनके पास वो और ऑप्शन थे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो संतान उत्पत्ति एक ऑप्शन हो गया आपके पास, वो आप कर सकते हैं। आनंद की प्राप्ति, वो आप अगर संयमित तरीके से करेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी बिल्कुल कोई गलत नहीं है, ना ही कोई पाप है, वो ना ही आप नरक में पहुँच जाएंगे, कुछ भी नहीं है, उसको भी आप लाइफ लॉन्ग आनंद ले सकते हैं उसका भी संयमित तरीके से। अगर आप एडिक्शन में पड़ जाएं और फिर उसको विकृत रूप दे दें तो वो बात अलग है, लेकिन अगर उसको ढंग से आप जिएंगे संयमित तरीके से, यानी उसको, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी आप रखें,
तो वो एक बिल्कुल सही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं वो चीज़। लाइफ लॉन्ग प्रकृति आपको अलाउ करती है कि आप बच्चे पैदा करें या फिर उसको आनंद के लिए भी उपयोग करें, बिल्कुल सुखी रहने का अधिकार है आपको, आप रह सकते हैं। बस उसमें कोई हिंसा ना हो, उसमें कोई विकृति ना हो, उसमें दोनों पार्टनर का ध्यान रखा गया हो, हर चीज़ आप अगर ढंग से करते हैं तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, और उससे आगे आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अब कुछ लोग थोड़ा और गहरे सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, तो फिर आप समझिए कि अब आप, कुछ लोगों को लगता है, जैसे कुछ साधक या योगी या सेल्फ रियलाइजेशन वाले जो लोग हैं, अब आगे कैटेगरी उनकी शुरू हो जाती है, गृहस्थ से आगे की तरफ खुद पर काम करने वाले। अब जो पानी की टंकी भर रही थी और नीचे से पानी गिरता जा रहा था, वो वह हो रही थी या तो सुख में, या वो बच्चे पालने में, या बच्चे पैदा करने में। अब उनकी क्या हुआ, जब नीचे से उन्होंने उस नल को बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमें ना तो संतान उत्पत्ति करनी है और ना ही हमें इसका सुख के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोग करना है, यानी वो ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और जो ब्रह्मचर्य वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, यानी वो खुद को जानने की तरफ शुरू हो गए। वो उनका जो गोल है, अब यहाँ क्रिएटिविटी यहाँ नहीं करना, बाहर नहीं करना, अपने अंदर करना। अब उस अंदर करने के लिए तो बाहर के ऊर्जा के प्रवाह को रोकना पड़ेगा, और ऊर्जा के प्रवाह रोकने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी को भी रोकना पड़ेगा, और सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए जो एक्टिविटी की गई है, कोई भी एक्टिविटी हो, वो भी रोकनी पड़ेगी। और वो रोकनी कोई एक दिन से नहीं हो जाने वाली है, वो रोकनी ट्रेनिंग से होने वाली है, और वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। एक पर्टिकुलर आपके बॉडी में फ्रिक्वेंसी, एक हार्मोन बनते हैं, जो ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है उसमें भी ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई वो हार्मोन रिलीज ही नहीं करने, लेकिन उसका एक डिसिप्लिन होगा। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या डिसिप्लिन उसका होना चाहिए, हर एज के हिसाब से। प्रकृति आपके शरीर में कोई चीज़ तैयार कर रही है, तो वो भी आप एक पॉइंट पर जाके वो वेस्ट बन जाता, नहीं तो बीमारियां आपको हो जाएंगी। उसका भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन आपको बताऊंगा मैं, तब धीरे धीरे जाके फिर आप क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा तो उसको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। अब आपने उस पानी को बहाने की बजाय, जो सीधा आ रहा था और जा रहा था, अब आपने नीचे से अपने सारे द्वार, जिसको कहा है द्वार बंद कर देना योग में, वो द्वार बंद करके उसको धीरे धीरे प्रिजर्व करना शुरू किया। बहुत इस टाइप से प्रिजर्व करना शुरू किया कि वो ख़राब भी ना हो और इकट्ठा भी होता चला जाए। अगर कहीं लग रहा है कि कुछ गंदा हिस्सा है, उसको तो रिलीज कर दिया, और बाकी उस ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया, तो वो फिर ऊर्जा उठती है ऊपर की तरफ। वो पानी की टंकी भरनी शुरू हुई धीरे धीरे, उसके लेवल अप होना शुरू हो गया। अब वो लेवल अप होता है, तो उस लेवल अप होने की जो प्रोसेस है, जो लेवल अप ऊपर उठना जो शुरू हुआ, उसको कुंडलिनी अवेकनिंग बोला गया है। यानी वो ऊर्जा जब इकट्ठा हो रही है, कहीं बाहर उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना आप ज़्यादा बातचीत करके, ना आप बहुत ज़्यादा कोई किसी पार्टनर की खोज में, ना ही किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में, ना ही किसी को बच्चे पालने, मतलब आपने उसको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, अपने अंदर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना शुरू किया। तो जब वो सेकंड लेवल तक जब पहुंचती है, अब वो कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो गया, यानी वो ऊर्जा सघन होनी शुरू हो गई आपकी मूलाधार में, और सघन होनी शुरू होगी तो कुछ वाइब्रेशन महसूस होंगी, कुछ हीटिंग इफेक्ट महसूस होगा, कुछ झंझनाहट महसूस होगी, कुछ गर्म ठंडा महसूस होगा। अब वो ऊर्जा प्रिजर्व हो रही, ध्यान रहे स्पर्म प्रिजर्व नहीं हो रहा है, एग्स प्रिजर्व नहीं हो रहे हैं, उनको बनाने के लिए जो ऊर्जा यूज हो रही थी, अब क्योंकि आप उनका उपयोग कम कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, उनको कम बनाना शुरू कर देगी, और उनको कम बनाना शुरू करेगी तो अब वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई, जो ऊर्जा वहाँ वह हो रही थी। अब वो ऊर्जा इकट्ठा होते होते धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है, अब वो स्वाधिष्ठान चक्र पर जब आती है, तो वो ऊर्जा बनती है क्रिएटिविटी। अब वो व्यक्ति बच्चे पैदा नहीं कर रहा, अब वो क्रिएशन करना शुरू करता है, अब वो कुछ पेंटिंग बनाएगा, कुछ पोइट्री लिखेगा। आपने देखा होगा कुछ सिंगल लोग हैं, कोई गाने लिख रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, मतलब फ्रायड ने उसको कहा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक क्रिएटिव वे में उसको रिलीज किया उन्होंने। एक सेक्सुअल एनर्जी, वही काम ऊर्जा रिलीज हो सकती थी सुख के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उन्होंने उसको प्रिजर्व करके, उसको सीमित करके, और उसको
ट्रांसफॉर्म किया और उसको क्रिएट किया, कहानियाँ लिखी, कविताएँ लिखी, म्यूजिक बनाया, कुछ पेंटिंग बनाई, एकदम यूनिक चीज़ें। यानी अब वो व्यक्ति जो बच्चे पैदा करने वाला था वो आर्टिस्ट हो चुका है, अब उसके अंदर आर्ट पैदा होने शुरू हुई, ऑटोमेटिक होगी क्योंकि वो ऊर्जा अब बाहर नहीं, उसको रोक दिया उसने। और रोकने के भी विभिन्न तरीके हैं, योग के द्वारा भी रोका जा सकता है, संयमित भोजन के द्वारा भी रोका जा सकता है। रोकने का मतलब दमन नहीं है, अगर वो मूलाधार चक्र पर ही पड़ी हुई है तो वो फिर तो उसको उसका एक ही रास्ता है, निकल जाना किसी न किसी फॉर्म में, प्रकृति अपने आप रास्ता बनाएगी उसका। लेकिन अगर वो उठ रही है और वो हॉर्मोन्स बन ही आपके अंदर अब कम रहे हैं, तो अब वो क्रिएशन के रूप में बाहर आते हैं दूसरे चक्र पर। अब जब क्रिएशन आप करते रहते हैं और वहाँ भी फिर आप प्रिजर्व करना शुरू कर देते हैं अपनी ऊर्जा को, और इकट्ठा होता रहता है पानी का लेवल, तो आप समझिए अब धीरे धीरे वो ऊर्जा, आप खुद पर काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आत्म साधना कर रहे हैं, अपने शरीर पर, प्राण पर, मन पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ऊर्जा अब तीसरे लेवल तक पहुंच जाती है। यानी वो पानी की जो टंकी जो भर रही थी नीचे से, वो थर्ड लेवल तक पहुंच गई है। अब वो आपके शरीर को पुष्ट करेगी, आपको शक्ति प्रदान करेगी, आपके शरीर की मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आपके आपका डाइजेशन स्ट्रोक, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा, यानी मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाएगा, जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, शरीर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बहुत पावरफुल तरीके, शरीर ताकतवर हो जाएगा, एक ताकत होगी, उसके अलावा अबंडेंस की शक्ति आपके अंदर आएगी, प्रचुरता आनी शुरू होगी आपके जीवन में, आप अपने काम काज में बहुत ध्यान देना शुरू कर देंगे, अंदर के सारे इमोशनल जो ब्लॉक, जितनी भी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वो सारे जो भाव हैं वो आपके मणिपुर चक्र में स्टोर हो जाते हैं। मणिपुर चक्र को आप मान लीजिए अपना अनकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर प्राण ऊर्जा इतनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य कब शुरू होता है, असली ब्रह्मचर्य, जब आपकी शक्ति मणिपुर चक्र पर आ जाती है, फिर वो जो काम भावनाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त तो हो जाती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। स्वाधिष्ठान चक्र पे भी वो फ्लक्चुएशन चलती रहती है, लेकिन मणिपुर चक्र पर जब वो ऊर्जा आ जाती है, वो जाप द्वारा आती है, वो योग अभ्यास द्वारा आती है, विभिन्न क्रियाओं द्वारा आती है, जो जितने भी विधियाँ बताई हैं उनके द्वारा आती हैं, तो जब मणिपुर चक्र पर वो आ जाएगी तो अब वो शक्ति का रूप ले लेगी। अब उस एनर्जी को आप किसी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अब उस एनर्जी का आप मंत्रों में भी उपयोग कर, अब आपकी ये मणिपुर चक्र पर आपकी साधना, जो साधना है उसमें शक्ति आ जाएगी, आपके मंत्रों में भी काम करना शुरू कर देंगे, आपके रिचुअल्स भी काम करना शुरू कर देंगे। यानी अब आप प्राण में हो गए, अब आप समझ लीजिए ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ गए, हो गए, शुरुआत हो गई। अब आपके लिए आपकी काम भावना, जो सेक्सुअल एक्टिविटी वाली जो काम भावना है, वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। अब फिर धीरे धीरे आप वहाँ भी प्रिजर्व करते रहे, आत्म साधना करते रहे, अपने अभ्यास को, योग अभ्यास करते रहे, अपने को ऊपर उठाते रहे, और ये सारे चक्रों पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ भी खुलती हैं, आपकी ग्रंथियाँ खुलती हैं, रुद्र ग्रंथि, आपकी ब्रह्म ग्रंथि खुलती है, पावर ऑफ क्रिएशन खुलती है स्वाधिष्ठान पर। फिर हम आते हैं हृदय चक्र पर, हृदय चक्र पर आते हैं तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ना शुरू होता है, कंपैशन बढ़ना शुरू होता है, दया भाव बढ़ना शुरू होता है, ऐसे लोग सेवा करते हुए आपको दिखाई देंगे, वो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो सेवा ही करे जा रहे हैं, उनको अपने जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो करुणावश, वो अपनी जान भी दे रहे हैं दूसरों के लिए, वो हृदय में करुणा भरती है, वो भक्ति पैदा होती है अंदर। मणिपुर चक्र में शक्ति पैदा होती है, तंत्र वाली शक्ति टाइप, और हृदय चक्र में तो आती है तो भक्ति पैदा होती है, भाव पैदा होते हैं, गुड इमोशंस पैदा होते हैं, सेवा पैदा होती है, सर्विस पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, अनकंडीशनल लव पैदा होता है, करुणा पैदा होती है। वहाँ भी काम करते रहे आत्म साधना करते रहे तो वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है, थ्रोट चक्र तक आती है, वो विशुद्धि चक्र के द्वारा एक्सप्रेस होती है। फिर पावर वही थी क्रिएशन, जिससे हमने बच्चे पैदा किए थे, अब वो क्या हो रही है, अब वो व्यक्ति वहाँ पर आके ऊपर उठ के अब वो उपदेश देना शुरू करता है, अब वो जो उसने खुद जाना वो दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करता है, अपने शब्दों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू, उसकी वाणी सिद्ध होनी शुरू हो जाती है, वो किसी को बोल देता है ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाता है, वो किसी को बोल दिया ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जितने भी लोग हैं जिनको हम सिद्ध कहते हैं,
वो उन शब्दों में शक्ति नहीं है, शक्ति उस व्यक्ति में है जिसने खुद की शक्ति को जागृत किया है और उसने जो शब्द बता दिए। अगर वो एक कोई विशुद्धि चक्र वाला व्यक्ति जिसके अंदर की सरस्वती जागृत हो गई, समझ लो उन्होंने कोई गलत मंत्र भी आपको बता दिया, ऊटपटांग मंत्र बता दिया, जैसे कहानी भी पढ़ते ना हम कि कहा मरा 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 करते रहो, वो मरा मरा करते भी वो भी राम राम बन जाएगा, उसी से आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, वही आपके लिए जागृत मंत्र का काम कर देगा। वो जो शक्ति है उन शब्दों में नहीं, वो शब्द तो इंटरनेट पे भी भरे हुए हैं, किताबों में भी भरे हुए हैं, वहाँ से पढ़ के कर हो जाओ, अब तक पूरा हिंदुस्तान जागृत हो जाना चाहिए था। और बहुत लोग पढ़ के सोते हैं, पाठ करवा लेते हैं उसके, किसी को कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक कोई सिद्ध, कोई फक्कड़, कोई अनपढ़ गवार सा दिखने वाला कोई व्यक्ति कोई एक बात बोल देता है और वो तुरंत सिद्ध हो जाती है। ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको दिखते हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आजकल बनते हैं, इन सब के पीछे, यहाँ तक कि आपके लोकल शहर में भी कोई बड़ा बिजनेस है तो आप एक बार जाके वहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ उसके पीछे किसी सिद्ध व्यक्ति की वाणी ही रहती है, उनका खुद का भी प्रयास रहता है, लेकिन जो ग्रह नक्षत्रों को भी बदल देने वाली उस सिद्ध की वाणी रहती है, उस योगी की वाणी रहती है। आप ध्यान से किसी, अगर आपके आसपास कोई है तो एक बार ध्यान से स्टडी करना और पूछ के देखना। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि ये आप ये दुकान खोल दो और ये चल जाएगी, तो प्रकृति को भी वो काम करना पड़ता है, क्योंकि वो एक टाइप से जैसे शिव संहिता में बताया, शिव का ही रूप हो जाते हैं सिद्ध। दिखने में वो आम आदमी है लेकिन अंदर उनकी जो ऊंचाई है बहुत ऊपर है वो, तो वो वाणी पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करता है, अभिव्यक्त करना शुरू करता है, वो घंटों घंटों बोलते हैं, घंटों घंटों, पूरा पूरा दिन बोलते हैं ऐसे महापुरुष, और वाणी भी ऐसी होती है मोहित कर देने वाली, वही सम्मोहन जो उस काम ऊर्जा में था, वही सम्मोहन अब वाणी में आ गया है, खींचने वाली, बांधने वाली, वही आकर्षण, वही मैग्नेटिक एनर्जी। फिर वो ऊर्जा जब धीरे धीरे और काम करते करते वो पानी की टंकी के लेवल बढ़ रहे थे, वही लेवल अब आगे चक्र तक जब पहुंचते हैं तो पावर ऑफ इंट्यूशन आपको मिलती है, पास्ट फ्यूचर अपना दिखता है, यहाँ जितना भी गार्बेज है वो सारा रिलीज होता है, असली जो मुक्ति है वो यहाँ पर आके शुरू होती है, अपने स्वयं का साक्षात्कार होता है, क्योंकि स्वयं जो आत्मा का जो स्थान जो बताया है वो यहीं पर है, आज्ञा चक्र में ही, तब यहाँ पर स्वयं, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है, वो होता है यहाँ पर। वो चाहे किसी को ध्यान के द्वारा हो, वो चाहे किसी को ज्ञान के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा होगा तो वो ध्यान में होगा, उसका जो एक्सपीरियंस होगा ध्यानी का वो अलग होगा खुद को जानने का, और ज्ञानी का जो एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा खुद को जानने का। ज्ञानी कोई कोई अंदर प्रकाश नहीं देखेगा, ज्ञानी देखेगा, ज्ञानी का दिमाग वैसे ही खुल जाएगा, ज्ञान के द्वारा ही उसको समझ में आ जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन जो हम बोलते हैं, खुद को जानने की जो का जो कॉन्सेप्ट है, वो ज्ञानी के लिए अलग है, ध्यानी के लिए अलग है। ध्यानी के लिए हो सकता है उसको लगे कि एनलाइटमेंट हो गया, मैं ऐसा हुआ कि प्रकृति एक, मैं एक, अंदर बाहर सब एक, वो एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है। वही सेम एक्सपीरियंस ज्ञानी को ज्ञान के द्वारा, उसने कभी ध्यान नहीं किया, उसने कभी योग नहीं किया, लेकिन उसने एनालाइज किया, उसने चीज़ों को जाना, उसने सवालों को पूछा, उसने तोड़ तोड़ के देखा, तो उसको वही एक्सपीरियंस ज्ञान के द्वारा हुआ। किसी को भक्ति के द्वारा वही एक्सपीरियंस हुआ, समर्पण के द्वारा, किसी को कर्म के द्वारा हुआ, ऐसे ही अलग अलग योग बने, लेकिन एक्सपीरियंस एक ही है जब खुद को जानते हैं। फिर वो ऊर्जा जब धीरे धीरे ऊपर उठती है तो वो फिर जहाँ जिस ओर जो अपना जो सोर्स है उसी में जाके मिल जाती है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है और हमारे अंदर विद्यमान है, तो वहीं पर जाके मिलती है, और उसी को मोक्ष और मुक्ति और निर्वाण कहा जाता है। इसी पूरे प्रोसेस के बीच में सारे योग आ चुके हैं, सारा तंत्र आ चुका है, सारे मंत्र आ चुके हैं, सारी साधनाएँ आ चुकी हैं। हर साधना पद्धति का उद्देश्य यही होता है, उस एनर्जी को प्रिजर्व करके ऊपर उठाना। अब जो भक्ति में चला गया है, अब देखो भक्ति जो है इसी सेक्सुअल एनर्जी की को एक डिवाइन ट्रांसफॉर्म कर देना है। मतलब आप पहले क्या करते हैं, नॉर्मल आदमी क्या करता है, बाहर देखता अपने पति पत्नी पार्टनर को और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, बाहर है तो वो कहाँ जाएगी ऊर्जा, बाहर जाएगी। लेकिन भक्त क्या करता है,
उसे अपने अंदर ढूंढता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई अपने इष्ट के रूप में, और इष्ट को देखता है अपने ऊपर। तो ध्यान कहाँ चला गया? अंदर चला गया। अब जहाँ ध्यान कर जाएगा वहाँ पर काम हो जाए उसको फॉलो करेगी, और समर्पण भाव भी रहेगा साथ साथ में, तो वो ऊर्जा ऊपर उठेगी। शुरुआत में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, ये ध्यान रहे जो ब्रह्मचर्य का की साधना करना चाहते हैं या जाने अनजाने। पहली बात तो अपने आप को क्लियर कर लो कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य क्लियर हो गया है और साधना करनी है ऐसी, तो ध्यान रहे शुरुआत पहले दिन ही, ऐसा नहीं कि हाँ अच्छे हम हो गए ब्रह्मचर्य और अब हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। आप विक्षिप्त हो जाएंगे। आप उस ऊर्जा को उठाने के लिए या तो कोई जाप करें या कोई बंद लगाएं, कोई प्राणायाम करें, कुछ साधन करना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए, तब उठेगी, नहीं तो वो नीचे ही बहेगी। अगर कुछ साधन नहीं कर रहे हैं और आप रोक के बैठ गए हैं अपने आप को, जैसे मैं YouTube पे भी देखता हूँ कई बार, कई ग्रुप बने हुए हैं ऐसे, वो हो जो बेनिफिट उनको जो महसूस होता है वो सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से होता है, कि वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है उनका, वो उनको रिवॉर्ड देता रहता है, उनको अच्छा लगता रहता है कि हाँ हमने सेल्फ कंट्रोल किया, सेल्फ कंट्रोल किया। लेकिन वो रिवॉर्ड उस रूप में भी बहुत अच्छा होता है कि जब आनंद के रूप में वो चीज़ होती है, लेकिन वो एडिक्शन। लेकिन ये है कि जब उस ऊर्जा, वही क्रिएशन है, उसके बाद कुछ क्रिएट करने का मन नहीं करेगा आपका। अगर उसने उस ऊर्जा को आपने आनंद के रूप में ले लिया, तो फिर आपके जीवन से क्रिएशन ख़त्म हो जाएगी। फिर आप सोएंगे उठेंगे वही जो एक लाइफस्टाइल रहता है, जो हर जीव जंतु भी कर रहा है, और वही लाइफस्टाइल एक इंसान भी कर रहा है। सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, वही अपने बच्चे पाले और अपना सारी उम्र एक ही लूप में उसी माया में नष्ट हो जाता है। फिर वही सेम काम उनके बच्चे करते हैं, और फिर वही सेम काम चलता रहता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई मंत्र की का सहारा लेना पड़ेगा, किसी प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ मुद्राओं का सहारा लेना पड़ेगा, और अपने अंदर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, अपने गिल्ट फील को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब बच्चे भी नहीं पैदा करने किए अपने, मतलब आप ऐसे एज में हैं, तो भी वो ऊर्जा एक इमोशनल रिलीज के रूप में निकलती है। कितना भी स्ट्रेस हो, उसके बाद उस ऊर्जा के बाहर जाने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस होता है। आप लेथार्जिक नहीं फील करते, आप काम डाउन हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। तो एक शांति लेके आने के लिए भी एक अच्छा साधन है वो। अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस रिलीज का भी काम करती है, तो उसका भी वो भी उपयोगिता है। कोई ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाएगा और हर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करेगा, वो रेयर लोग होते हैं। तो इसलिए इस विक्षिप्तता में से निकलना शुरू करें। अगर आप टीन एज में हैं, तो एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसका एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करें, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं पर्टिकुलर कि इतना टाइम, अगर इतने दिन इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसको नॉर्मल मानो। तो एक डिसिप्लिन है उसका भी, और ब्रह्मचर्य अगर कर रहे हैं तो उसको भी साधने का एक डिसिप्लिन है। उसके लिए भी बॉडी के जो पर्टिकुलर जो ग्लैंड हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेज की जाती हैं, तब जाके वो जो स्टेट है वो अचीव होती है। जो अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, वज्रोली मुद्रा, ये जो हमारे योग में बताई हैं, ऐसे ही थोड़ी बताई हैं। इस ऊर्जा को प्रिजर्व करने के लिए प्रैक्टिसेस हैं वो, उसके बाद वो घटना घटित होती है। क्योंकि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं कि काम ऊर्जा, हम बहुत ज़्यादा कामुकता तो होगी क्योंकि बाहर से ट्रिगर हो रही है। हर कोई आपको काम ऊर्जा ही तो बेच, आपके अंदर आपको वासना ही तो बेच रहा है। आपकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हैं, जितनी मूवीज़ हैं, आपको एक गहरी स्टेट में लेके जाते हैं और आपके माइंड में काम ऊर्जा भरते हैं। यूट्यूब से जो आप पर जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, चाहे आप इंटरनेट पे कुछ और देखते हैं या पोर्न देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सब में वही तो चीज़ है। आपके माइंड को प्रोग्राम हो रहा है, और उसके बिना आप खरीदेंगे थोड़ा सामान। आपकी वीकनेसेस का उपयोग किया जाता है इनमें। YouTube पे भी जो आप वीडियो देखते हैं, वहाँ भी आपके भय का उपयोग, आपके लालच का उपयोग किया जाता है कि 10 दिन में वजन कम करें, 10 दिन में बेली फैट कम करें, या फिर कोई भय दिखा दिया जाएगा कि इसको नहीं जाना तो कुछ और नहीं जाना। ये माइंड की ट्रिक्स हैं, ये गुलाम बनाने का यही तरीका है, और आप बन जाते हैं। तभी करना क्या है इस ऊर्जा को रेगुलेट करने के लिए, दो तीन चीज़ें आप कर सकते हैं।
पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, खेलना। आप जितना हंसेंगे, खेलेंगे, खुश रहेंगे, उतनी ज़्यादा ये ऊर्जा अंदर की तरफ उठेगी। चाहे आप कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलें, अपने परिवार के लोगों के साथ खेलें, चाहे कोई गेम खेलें, अपने आप आपका मन जो है वो, क्योंकि वो क्रिएशन चेंज कर दिया आपने, एनर्जी चेंज हो गई है वो। दूसरा तरीका है क्रिएटिविटी। आप पेंटिंग बनाएं, आर्ट बनाएं, अपनी हॉबी के ऊपर काम करें, जो भी चीज़ आपको करने की, जो भी नेक्स्ट स्टेप आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, मान लो मेरा इंटरेस्ट हुआ पेंटिंग में, तो वो पेंटिंग जो है, वो जो मेरा इंटरेस्ट है, वो परमात्मा का हिंट है कि आप ये ना करना चाहो तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो आपके जो बचपन के इंटरेस्ट हैं या जो आप दिन रात करते रहते थे, जैसे मैं था, मैं खाली टाइम में क्या करता रहता था, मुझे जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिजली को समझने में था। मैं तार जोड़ता रहता था, तोड़ता फोड़ता रहता था चीज़ों को, और उनके की कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही, कौन सा सर्किट कहाँ जाएगा। बहुत बार मैंने करंट खाए हैं, घर वाले कोई भी चीज़ आती तो घर वाले कहते थे इसको खोलना नहीं है, क्योंकि मेरा मुझे जानना कि ये टीवी में ये लोग क्यों दिख रहे हैं, कहाँ से दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो मेरा वो इंटरेस्ट दिन रात रातों रात करता रहता था मैं, जब तक वो चीज़ मेरे को जवाब नहीं मिलता उसको खोजता रहता था। ऐसे ही आपकी कोई हॉबी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी, हॉबी को मतलब हल्के में मत लीजिए, कोई आदत होगी ऐसी, हो सकता है किसी की लिखना हो, किसी की पेंटिंग हो, किसी का खेलना हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, उस आर्ट को ढूंढें और उसको करना शुरू करें। तुरंत ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर की वासनाएं ख़त्म ही हो जाएंगी। बस उस काम को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो समाज है वो हमें वो दबा दिया जाता है। हमें हमारा मन था, मान लो मेरे घर वाले ऐसे थे कि उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया, कोई बात नहीं, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन सीख रहा है कुछ। कुछ लोग नहीं करते, वो पहली बार में ही दबा देते हैं, दो तीन बार किया और फिर थप्पड़ लगते हैं ऊपर से, और फिर डांट पड़ती हैं, और फिर व्यक्ति की वो जो पोटेंशियल चीज़ थी, जो वो कुछ हो सकता था, वो वहीं पर दब गया, वो बीज पैदा ही नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका तो अपनी उस हॉबी को लें और उस पर काम करना शुरू करें, क्रिएट करना शुरू करें। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइजेज, खेलना, प्राणायाम का अभ्यास, योगाभ्यास, ये चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म करने में, ये तो यूनिवर्सल हैं, हर किसी का काम करेंगे। अपने माइंड को डाइवर्ट करें, आपका माइंड जिस आपके माइंड में जो पिक्चर होंगी वही हॉर्मोन्स आपके अंदर बनेंगे। आप बॉडी बिल्डिंग की वीडियो देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा, लेकिन आप एक्सरसाइज में उसको रिलीज करके, एक्सरसाइज में उसको यूज करके मसल बिल्डिंग के लिए उपयोग करेंगे, वही टेस्टोस्टेरोन है। बॉडी बिल्डिंग में भी वही यूज होता है, काम ऊर्जा में भी वही यूज हो रहा है, वासनाओं में भी। और अगर वो काम ऊर्जा अगर आपके अंदर बनना बंद हो गई तो आपकी हालत उस बैल जैसी होगी। आपने दो जीव याद रखिए, एक बैल और एक सांड, जो पूरी तरह जीवित है, पूरी तरह जीवंत है, अपने तरीके से जीता है, जिसको हम सांड बोलते हैं, बुल बोलते हैं, और एक बैल है जिसको ओक्स बोलते हैं, जो हल जोतता है। उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, बैल की जो काम ऊर्जा वाले जो नाड़ियां हैं, नस हैं, वो काट दी जाती, उसके ना होने कोई मोटिवेशन नहीं रहता उसके जीवन में। फिर वो बैल को आप कोल्हू में जोड़ दो तो वहाँ घूमता रहता है। अपने जीवन को रिलेट भी करके देख लेना, कोल्हू में जोड़ दो तो वहाँ घूमता रहता है, हल में जोड़ दो तो चलता रहता है, बैलगाड़ी में जोड़ दो तो उसमें चलता रहता है, वो कोई मोटिवेशन नहीं है। और एक एक दो एक ऐसी चीज़ के बीच में उसको बांध दिया जाता है, एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको पता है कि वो अगर उसके मन में मोटिवेशन हो असली, तो कोई जो रियल जो बुल है असली, जिसके अंदर प्रॉपर वो हार्मोन बन रहे हैं, उसको कोई रस्सी से, क्या बड़े रस्से से बांध के देखे, वो नहीं रुकेगा। वो जो बैलगाड़ी के बीच में जो बांधती है, पतली सी रस्सी ही होती है, अगर उसका उसके अंदर वो हार्मोन बना दिए जाएँ, वही काम हो जाए, उसकी जागृत कर दी जाए, तो उसको सबको फेंक के भाग जाएगा, वो बंद के रहेगा ही नहीं। और घर में भी उसको ऐसे खूंटे से बांधा जाता, पतला सा खूंटा, उसको बस उसके माइंड में एक इल्यूजन, एक गुलामी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो फ्रीडम जो पावर ऑफ जो क्रिएशन है वो ख़त्म हो गई उसकी, वो ख़त्म कर दी टेक्निकली, बहुत बड़ा पाप मैं मानता हूँ। तो वो पावर ख़त्म हो गई तो अब सारी उम्र वो गुलाम की तरह ही जीवित रहता है, और वही हमारे साथ हो रहा है। अब काम ऊर्जा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, पकड़ के कोई शादी कर देता, बच्चे पैदा कर दिए और हो गया बस, अब उनको पालते, वही लूप फिर चलता रहता है। गलत नहीं है ये,
अब और कुछ नहीं करोगे तो अब किसी को डायरेक्शन नहीं मिली, और तो उससे अच्छा है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, नहीं तो वो फिर किसी का रेप करेगा, कोई मर्डर करेगा, क्राइम पैदा करेगा। विक्षिप्त काम ऊर्जा भी है, जितने अपराध होते हैं वो विक्षिप्त काम ऊर्जा की वजह से ही होते हैं, और जितनी क्रिएशन होती है वो भी वो ट्रांसफॉर्म काम ऊर्जा की वजह से, वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो ट्रांसफॉर्म्ड काम ऊर्जा है, वो वही काम ऊर्जा क्रिएट भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। वही आपके आज्ञा चक्र पर, देखो वही आज्ञा चक्र भी खोल सकते हैं और वही तांडव भी करवा सकती है आपसे, शक्ति वही है, और वही गृहस्थ भी बना सकती है। अभी जो एक आम आदमी उपयोग कर रहा है अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस और अपना जो स्पिरिचुअल साइंस है, वो उसकी मिनिमम से मिनिमम संभावना, वो तो हर कोई कर ही लेता है। कुछ लोगों के अंदर जब जागृति होती है पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से, या एक अवेकनिंग स्टेज आती है, तो वो फिर उनकी ऊर्जा वो धीरे धीरे काम करते हैं। और उन ऐसा मतलब उसका इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब उन लोगों ने, बहुत सारे गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है, उनका गोल नहीं होता है, वो एडिशनल होता है, या कोई फिजियोलॉजिकल नीड होती है कभी कभी। उनका जो गोल होता है वो अपने आप को जानना ही होता है। ज़्यादातर जो ऊर्जा होती है तो उधर ही बहती है, फिर ऊपर के चक्रों की तरफ, और जब तक मणिपुर चक्र पर वो ऊर्जा नहीं आती है तब तक तो बहुत परेशान करती है आपको, तब तक तो एक बहुत तपस वाला जो जीवन रहता है, तो उसमें सीमित रहना होता है, उसमें ना भागना है और ना छोड़ना है और ना ही ओवर किसी चीज़ को करना है, उसमें बड़े सीमित तरीके से मेन मुख्य जो रूप से जो गुरु की ज़रूरत होती है वो वहीं पर होती है। मणिपुर चक्र पर जब शक्ति चली जाती है, कुंडलिनी शक्ति, तो फिर वो अपने आप सिद्धियाँ शक्तियाँ अपने आप गाइड करती हैं, फिर ज़्यादा फिर गुरु की भी नीड थोड़ी कम हो जाती है। तो ये काम ऊर्जा का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के बताया, थोड़ा अपने अनुभव से जोड़ के बताया, वो थोड़ा योगिक साइंस से जोड़ के बताया। व्यवहारिक जो ज्ञान, जो सामाजिक ज्ञान, वो भी हम जल्दी ही किसी का इंटरव्यू करके ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगा। आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में जो भी क्रिएट हो रहा है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, वो जैसे एक जगह मैंने पढ़ा था, फ्रायड ने तो लिखा था अपने क्लिनिक के ऊपर कि इट्स ऑलवेज सेक्स, कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वो सेक्स ही है। आप अच्छा भी कर रहे हैं तो भी, बुरा कर रहे हैं तो भी, चिड़चिड़े हैं तो भी, वही ऊर्जा आपकी या तो विक्षिप्त हो गई है या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इस ऊर्जा को समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और अध्यात्म का सार सूत्र है ये। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फ्यूज बल्ब रहेंगे, बैल वाला जीवन रहेगा हमें। और जब इसको जाग लिया, अब जब बेनिफिट क्या होगा, जब हम जाग जाएंगे इसको समझ जाएंगे, तो पहली चीज़ गिल्ट फील ख़त्म हो गया। अब हमने इसको एक बड़ी शांति के साथ धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है, वो ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही अवसर है, सारी उम्र हम कर सकते हैं ये ऊर्जा को प्रिजर्व, लेकिन यंग एज में हम शुरू करें तो बहुत शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बहुत जल्दी होगी। एक एज होने के बाद शरीर की भी लिमिटेशन होती है, ऊर्जा की भी लिमिटेशन है, और बहुत सारे हमारे आसपास फिर हमने जीवन भी ऐसे बना लिया होता, हम कुछ समय निकालना चाहें तो भी नहीं निकाल पाते। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचना है, और एक बार ये ट्रांसफॉर्म हो गई तो फिर आपका जीवन वही बुद्ध वाला होगा, आपका जीवन वही योगियों वाला होगा, गुरु गोरखनाथ वाला होगा, भगवान शिव वाला होगा, फिर अनंत संभावनाएं हैं, फिर अनंत संभावनाएं हैं। फिर ये काम ऊर्जा, ये सेक्सुअल एक्टिविटी का भी उपयोग लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए कर लेते हैं, पर्टिकुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू मंत्र के साथ किया जाता है, जिसको रेड तंत्र बोला जाता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के तंत्र विधियों में इसका भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनको पता है, लेकिन उस दौरान भी ध्यान अपने अंदर रखना होता है, उस दौरान भी ध्यान अपने अंदर रखना होता है, श्वास की क्रियाएं करनी होती हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि आप एक नॉर्मल सामान्य क्रम करेंगे और उसी में आपकी कुंडलिनी अवेक हो जाएगी, वो एक पूरा सिस्टम है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए तो और ज़्यादा गुरु, समझदार गुरु और एक्सपीरियंस गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दिशा में ना जाके, आजकल कुछ लोग उस वजह से भी स्पिरिचुअलिटी जो ट्रेंड में आ रही है वो इस वजह से भी आ रही है, उनको लगता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है,
आनंद भी, और आनंद नहीं है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के, ये आध्यात्मिकता और काम ऊर्जा से मैंने थोड़ा रिलेट किया, कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की। अब जो सवाल आएंगे आपके वो और टॉपिक लेके आएंगे, वो और चीज़ें बाहर निकलेंगी उससे। अभ्यास क्या करने चाहिए, अभ्यास यही करने चाहिए जो योग में बताए हुए हैं, वो अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें कुछ उसका एक डिसिप्लिन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है और किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। बिना उपयोग किए तो विक्षिप्त हो जाएंगे हम, हॉर्मोन्स तो बनेंगे बॉडी में। तो इस प्रकार से हम आज की वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, और आगे इसी के बारे में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यहाँ तक पहुँचे तो पूरा देखा ही है आपने। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, और जहाँ लगता है आपको शेयर करने की ज़रूरत है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक टाइप का दान और एक शेयरिंग ही है। नहीं तो इस बारे में लोग या तो भयभीत करते हैं या गिल्ट फील करवाते हैं। एक सम्यक ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति शांति, शांति।